बहन, तो अभिमन्यु के द्वारा इस तरह से रोष प्रकट किए जाने पर बृहन्नला उन्हें सहलाते हुए कहते हैं, अभिमन्यु सुखमास्ते जननी। अभिमन्यु सुखमास्ते, सुखम धन आस्ते इति सुखमास्ते, अर्थात यहाँ पर दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। सुखम मतलब सुख पूर्वक, आस्ते मतलब है, ते मतलब तुम्हारा, जननी, जननी का मतलब होता है माता। अभिमन्यु सुखमास्ते जननी, हे अभिमन्यु तुम्हारी माता सुखपूर्वक तो है। तो इस तरह से बृहन्नला रूपधारी अर्जुन अभिमन्यु से पूछते हैं, अब अपनी माता के विषय में बृहन्नला से के द्वारा इस तरह से पूछे जाने पर अभिमन्यु पुनः क्रुद्ध हो जाते हैं और क्रोधित होकर कहते हैं, कथम कथम जननी नाम किम भवान में पिता हुआ अथवा पितृव्यः, कथम माम पितृवदाक्रम्य स्त्री गताम कथाम पृच्छसे। कथम कथम अर्थात कैसे कैसे तुम इस तरह से मेरी माता के बारे में पूछ सकते हो, मेरी माता के बारे में पूछने वाले तुम होते कौन हो, जननी नाम, अरे तुम मेरी माता का नाम पूछ रहे हो, मेरी माता की कुशलता पूछ रहे हो, किम भवान में पिता, क्या तुम मेरे पिता हो अथवा पितृव्यः अथवा पिता से संबंधित कोई हो जो इस तरह से मेरी माता के विषय में पूछ रहे हो। कथम माम पितृवदाक्रम्य, अरे कथम मतलब कैसे माम मुझे पितृवत अर्थात पिता के समान आक्रम्य आक्रमित करके स्त्री गताम कथाम पृच्छसे, स्त्री से संबंधित समाचार पूछ रहे हो। किसी भी सभ्य समाज में बड़ों के द्वारा जो अपरिचित लोग हैं उनके स्त्रियों के संदर्भ में इस तरह की बातें नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन यहाँ बृहन्नला जो है अर्जुन अभिमन्यु से पूछता है, क्योंकि अभिमन्यु यह नहीं जानता है कि बृहन्नला कौन है, लेकिन बृहन्नला भली भांति जानता है कि वह जिनसे बात कर रहा है वह अभिमन्यु उसका अपना पुत्र है, इसलिए वह अर्थात बृहन्नला अभिमन्यु से उनकी माता अर्थात अपनी पत्नी के विषय में कुछ जानकारियां प्राप्त करना चाहता है, अर्थात उनकी कुशलता पूछना चाहता है, लेकिन इन सबसे अपरिचित अभिमन्यु रुष्ट हो जाता है, रुष्ट होकर कहता है, कथम कथम जननी नाम, कैसे कैसे तुम मेरी माता का नाम पूछ रहे हो, किम भवान मे पिता, क्या तुम मेरे पिता हो अथवा पितृव्यः अथवा पिता से संबंधित कोई हो, कथम माम पितृवत आक्रम्य अर्थात तुम पिता की तरह से इस तरह से अधिकार पूर्वक स्त्री गताम कथाम पृच्छसे, स्त्री से संबंधित समाचार पूछ रहे हो। बृहन्नला अब अभिमन्यु के द्वारा इस तरह से रोष प्रकट किए जाने पर बृहन्नला कहता है, बृहन्नला अर्थात बृहन्नला रूपधारी अर्जुन कहता है, अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्र केशव, अभिमन्यु अपि, ध्यान दीजिएगा, अपि का प्रयोग जब वाक्य के प्रारंभ में किया जाता है तो यह प्रश्नवाचक बन जाता है, तो इस तरह से यहाँ पर अपि का प्रयोग जो सामने किया गया है इसके कारण से वाक्य क्या हो गया, प्रश्नवाचक बन गया, तो अपि भी कुशली कुशल पूर्वक देवकी पुत्र केशव, देवकी पुत्र श्री कृष्ण जो है कुशल पूर्वक तो है। ऐसा देखिए भीम और अर्जुन क्या करते हैं कि उस अभिमन्यु से बात करना चाहते हैं और बात करने के लिए उसको तरह तरह से छेड़ रहे हैं, तो छेड़ते हुए कहते हैं कि अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्र केशव, क्या देवकी पुत्र श्री कृष्ण अर्थात केशव कुशल पूर्वक तो है। अभिमन्यु तब अभिमन्यु इस वचन को सुनकर फिर तिलमिला जाता है और तिलमिलाते हुए कहता है, कथम कथम तत्र भवन्तम अपि नामना अत्किम अत्किम। इस तरह से बृहन्नला के द्वारा माता के विषय में पूछे जाने पर, देवकी पुत्र केशव के बारे में पूछे जाने पर अभिमन्यु तिलमिला जाता है और कहता है, कथम कथम कैसे कैसे तुम इस तरह से उनका नाम लेकर पूछ रहे हो, तत्र भवन्तम अपि नामना, क्या आप उनको भी इस तरह से नाम से, अत्किम अत्किम अब क्या होगा अब क्या होगा, अर्थात उसका रोआ रोआ भड़क उठता है, वह तिलमिला जाता है।
उभौ परस्परम अवलोकयतः। उभौ मतलब वे दोनों, कौन दोनों, भीम और वृहन्नला अर्थात अर्जुन, परस्परम अवलोकयतः, परस्परम धन अवलोकयतः ति परस्परम लोकयतः, यहां पर व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ। तो परस्परम एक दूसरे को अवलोकयतः देखते हुए, अर्थात वे दोनों भीम और अर्जुन दो है, इस तरह से अभिमन्यु को तिल मिलाते हुए देखकर परस्पर एक दूसरे को देखते हैं, अर्थात देखकर मुस्कुराते हैं, हाँ चलो कुछ तो बोल रहा है, ऐसा वे दोनों सोचते हैं। फिर अभिमन्यु कहता है, क्या कहता है, कथमिदानीम सावज्ञमिव, कथमिदानीम सावज्ञमिव माम हस्यते, कथम धन इदानीम इति कथमिदानीम, यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। कथम इदानीम कैसे इस प्रकार इस समय सावज्ञमिव उपेक्षा करते हुए की भांति माम हस्यते मुझ पर हंसा जा रहा है, कैसे इन दोनों के द्वारा मेरी उपेक्षा करते हुए, मैं क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, क्षत्रिय बालक हूँ, और फिर भी कैसे ये दोनों मेरी उपेक्षा करते हुए माम हस्यते मुझ पर हंस रहे हैं, अर्थात मेरी अवहेलना कर रहे हैं। अभिमन्यु जब ऐसा कहता है तब वृहन्नला कहता है, क्या कहता है, न खलु किंचित, ऐसा कुछ भी नहीं है, निश्चित रूप से ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्थम पितृमुद्दिश्य मातुलम च जनार्दन तरुणस्य विकृतास्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजयः। पार्थम पितृमुद्दिश्य, उस अभिमन्यु को लक्ष्य करके वृहन्नला कहते हैं, पार्थ अर्थात अर्जुन तुम्हारे पिता हैं, पितरम, पार्थम पितरम अर्थात पार्थ अर्जुन जो हैं तुम्हारे पिता हैं, मातुलम च जनार्दनम अर्थात मातुलम कहा जाता है माता को और जनार्दन कहा जाता है श्री कृष्ण को, तो श्री कृष्ण तुम्हारे मामा हैं। तरुणस्य और तुम इस समय युवा हो, कृतास्त्रस्य और तुम जो है इस समय अस्त्र शस्त्र से युक्त की विद्या से निपुण हो, युक्तो युद्ध पराजयः और ऐसे में अर्थात अर्जुन के पुत्र हो और कृष्ण तुम्हारे मामा हैं, तुम युवा हो और अस्त्र शस्त्र की विद्या में निपुण हो, ऐसे में युद्ध पराजयः युक्तः, युद्ध में पराजित होना तुम्हारे लिए उचित ही है, ऐसा वृहन्नला अभिमन्यु को कहते हैं। अब वृहन्नला इस तरह से जब अर्जुन को छेड़ देते हैं अर्थात व्यंग्य भरी बातें कहते हैं, तब अभिमन्यु निश्चित रूप से रोष्ट हो जाता है, रोषित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और क्रोधित होकर कहता है, क्या कहता है, अभिमन्यु कहता है, अभिमन्यु अहम अलम स्वच्छंद प्रलापेन, अलम मतलब बचो मत करो, स्वच्छंद प्रलापेन कुछ भी मत बोलो अर्थात कुछ भी बोलने से बचो, अस्माकं कुले आत्मस्तवं कर्तुम अनुचितम् रणभूमौ हतेषु सराण पश्य मद्रिते अन्यत नाम न भविष्यति, कुछ भी मत कहो, कुछ भी कहने से बचो, अस्माकं कुले हमारे कुल में, अस्माकं शब्द कैसे बनता है, अस्माकं शब्द जो है अस्मद का षष्ठी विभक्ति एक वचन का यह रूप है, अस्माकं मतलब हमारे, अस्माकं शब्द जो है अस्मद शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, मम आवयोः अस्माकं इस तरह से इसका रूप बनता है, तो अस्माकं हमारे कुले कुल में आत्मस्त्वम अर्थात आत्मस्तुति अपनी स्तुति करना अर्थात अपनी प्रशंसा करना या अपनी बड़ाई करना, कर्तुम अनुचितम ऐसा किया जाना अनुचित है, इसलिए मैं अपने कुल की यहाँ कोई बड़ाई नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये हमारे कुल की प्रतिष्ठा के सर्वथा प्रतिकूल है। रणभूमौ रणभूमि में, रणभूमौ भूमौ शब्द कैसे बनता है, भूमौ शब्द बनता है, भूमि मूल शब्द है,
सप्तमी भक्ति एक वचन का यह रूप है और इसका तात्पर्य होता है भूमि में, तो रणभूमो रणभूमि में, हतेसु गिरे हुए या क्षतिग्रस्त, हतेसु क्षतिग्रस्त, सराण पश्य बाणों को देखो, रणभूमि में क्षतिग्रस्त पड़े हुए बाणों को देखो, मद्रिते मेरे अतिरिक्त, मत धन रिते इति मद्रिते, मेरे अतिरिक्त अन्यत दूसरा नाम न भविष्यति, दूसरा नाम नहीं होगा, यदि वीरों की गिनती होगी, वीरों का नाम होगा तो उस रणभूमि में मेरे अलावा दूसरे का नाम नहीं होगा, ऐसा अभिमन्यु कहते हैं। तब विहनला कहते हैं, क्या कहते हैं, एवं वाग सौंदर्यम किमर्थम तेन पदातिना गृहीतः, ओहो एवं, इस प्रकार वाग सौंदर्यम अर्थात वाक से सौंदर्य हो अर्थात बड़ी बड़ी बातें करने वाले हो, अच्छा इतनी बड़ी बड़ी जब बातें करने वाले हो किमर्थम, तब किस प्रकार से, तेन उसके द्वारा, पदातिना अर्थात उस पैदल सैनिक के द्वारा, गृहीतः गृहित कर लिए गए अर्थात पकड़ लिए गए, बंदी बना लिए गए, जब तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले हो, तुम्हारी इतनी वीरता है, तब किमर्थम किस प्रकार से, तेन उसके द्वारा, पदातिना उस पैदल सैनिक के द्वारा, गृहीतः गृहित कर लिए गए अर्थात पकड़ लिए गए, बंदी बना लिए गए, ऐसा विहनला जो है उस अभिमन्यु से कहते हैं। तब अभिमन्यु कहते हैं, क्या कहते हैं, अशस्त्रम माम अभिगतः, वह जो है अशस्त्र था अर्थात वह शस्त्रधारी नहीं था, माम अभिगतः और वह जो शस्त्र धारण नहीं किया हुआ था वह माम अभिगतः मेरे सम्मुख आ गया, पितरम अर्जुनम स्मरण अहम कथम हन्याम, और ऐसे समय में जब वह अस्त्र शस्त्र से युक्त नहीं था, ऐसा सैनिक मेरे समक्ष आ गया जिसके द्वारा मैं पकड़ लिया गया, तो वह सैनिक जब मेरे समक्ष आया जो अस्त्र शस्त्र से युक्त नहीं था, तब मैं पितरम स्मरण, पितरम अर्जुनम स्मरण, मैंने अपने पिता अर्जुन को स्मरण किया और उनकी वीरता को याद किया, उनकी सिखाई हुई बातों को याद किया, उन्होंने बातें सिखाई थी, क्या बातें सिखाई थी, यदि तुम शस्त्रधारी हो और कोई शस्त्रधारी तुम्हारे समक्ष हो तब उन पर आक्रमण करना, लेकिन तुम शस्त्रधारी हो और कोई तुम्हारे सामने जो हो वो शस्त्र से विहीन हो तब उस पर सर अर्थात बाण मत चलाना, ये उन्होंने मुझे सिखाया था, उन पर आक्रमण मत करना ये उन्होंने मुझे सिखाया था। तो जब वह अशस्त्र अर्थात वह शस्त्र धारण नहीं किया हुआ सैनिक जब माम अभिगतः मेरे समक्ष आया, तब पितरम अर्जुनम स्मरण, मैंने अपने पिता की उस बात को स्मरण करते हुए मन में यह सोचा, कथम अहम कथम हन्याम, मैं इसे कैसे मार डालूं अर्थात उसको, उस शस्त्र विहीन को मैं कैसे मार डालता, अशस्त्रेषु अर्थात शस्त्रों से विहीन मादृताः मेरे समान जो वीर होते हैं वे, जो अशस्त्रेषु अर्थात जो शस्त्र धारण नहीं किए हुए होते हैं, न प्रहरन्ति उन पर प्रहार नहीं करते हैं, अर्थात मेरे जैसे जो वीर होते हैं वे किन पर आक्रमण करते हैं, किन पर प्रहार करते हैं, उन पर प्रहार करते हैं जो वीर होते हैं, जो शस्त्रधारी होते हैं उन पर प्रहार करते हैं, अर्थात हम नीति के युद्ध करते हैं, नीति विहीन युद्ध हम नहीं करते हैं। तो अशस्त्रेषु मादृता मादृशाः न प्रहरन्ति, जो शस्त्र से विहीन होते हैं ऐसे लोगों पर मेरे जैसे वीर प्रहार नहीं करते हैं, अतः इसलिए अशस्त्रोयम यह शस्त्र से विहीन माम मुझको वंचयित्वा पकड़ कर, मुझको वंचयित्वा, वंचयित्वा मतलब होता है धोखा देकर, गृहीतवान पकड़ लिया, तो इसलिए जब यह शस्त्र विहीन व्यक्ति मेरे समक्ष आया तो मैंने इसको शस्त्र विहीन जानकर इस पर प्रहार नहीं किया और इसने वंचयित्वा धोखा देकर माम गृहीतवान मुझको पकड़ लिया, ऐसा अभिमन्यु कहता है। तब अब ये सारी बातें कहां हो रही हैं, ये सारी बातें हो रही हैं राजा विराट के दरबार में। अब राजा विराट जो हैं वे कहते हैं, क्या कहते हैं,
त्वर्यताम त्वर त्वर्यताम अभिमन्यु त्वर्यताम त्वर्यताम अभिमन्यु अर्थात शीघ्र शीघ्रता करो अभिमन्यु, ऐसा राजा कहते हैं। अब बृहन्नल कहते हैं इत इतः कुमार यहाँ 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 आओ कुमार, ऐसा उन्हें राजा के समक्ष ले जाने का संकेत करते हैं। एस महाराजा है, ये महाराज हैं, ऐसा महाराजा है, ऐसा मतलब यह या ये महाराजा है, महाराज हैं। उपसर्पतु कुमार, राजा के समीप जाओ अब कुमार अभिमन्यु, ऐसा बृहन्नल जो है अभिमन्यु को कहते हैं। अब अभिमन्यु बृहन्नल की बातों को सुनकर कहते हैं आह कस्य महाराजा, अरे किसके महाराज हैं, मैं ऐसे किसी महाराज को नहीं जानता हूँ, ऐसा अभिमन्यु के कहने का भाव है। तो आह कस्य महाराजा, अरे किसके महाराज, ऐसा वे प्रश्न उपस्थित करते हैं। तब राजा विराट जो दरबार में राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं वे कहते हैं एही पुत्र यहाँ यहाँ आओ पुत्र, कथम माम भी वादयसि, कथम न माम भी वादयसि, कैसे तुम मेरा अभिवादन नहीं कर रहे हो। आत्मगतम अपने मन में अहो अरे उत्सिक्तः खल्वयम् क्षत्रिय कुमारः अहमस्य दर्प प्रसन्नम करोमि प्रकाशम अथ केनायम गृहीतः, ऐसा राजा कहते हैं। पहले कहते हैं एही पुत्र अर्थात यहाँ आओ पुत्र, कथम न माम अभिवादयसि, कैसे तुम मेरा अभिवादन नहीं कर रहे हो। अर्थात राजन के समक्ष जो कोई भी आते हैं वे सभी राजा को सबसे पहले प्रणाम करते हैं, राजा की जय हो ऐसा कहते हैं, तो इस तरह से उनका अभिवादन करते हैं। लेकिन अभिमन्यु उस राजा विराट की उपेक्षा करते हैं, कस्य महाराजा ऐसा कहते हैं और उनका अभिवादन नहीं करते हैं। तो अभिमन्यु के द्वारा अभिवादन नहीं किए जाने पर राजा जो है इस तरह से प्रश्न करते हैं कि यहाँ आओ पुत्र, जो कि पुत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि अभिमन्यु जो है अभी बालक है, वह तरुण युवक है, इसलिए उन्हें पुत्र कहकर भी संबोधित करते हैं। कथम न माम अभिवादयसि, कैसे तुम मेरा अभिवादन नहीं कर रहे हो। फिर यहाँ पर आप देखिए एक शब्द लिखा हुआ है कोष्टक में आत्मगतम। आत्मगतम का तात्पर्य होता है मन में, राजा जो है अपने मन में कुछ बातें कहता है, सोचता है, क्या कहता है, अहो उत्सिक्तः खल्वयम् क्षत्रिय कुमारः, यह जो पकड़ा हुआ बालक है वह क्षत्रिय कुमार है, इसलिए संभवतः यह मेरा अभिवादन नहीं कर रहे हैं। अहमस्य दर्प प्रसन्नम करोमि, अहमस्य अहम धन अस्य इति अहमस्य, यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। दर्प प्रसन्नम करोमि अर्थात मैं इसके दर्प का अर्थात अहंकार का समन करूंगा, अर्थात मैं इसके अहंकार को शांत करूंगा। अहम अस्य दर्प प्रसन्नम करोमि, मैं अस्य मतलब इसके, दर्प मतलब अहंकार, प्रसन्नम मतलब शांत, करोमि करूंगा करता हूँ, अभी मैं इसके दर्प को अर्थात अहंकार को शांत करता हूँ, ऐसा राजा जो विराट हैं वे अपने मन में इस बात को सोचते हैं। फिर प्रकाशम, अब प्रकट रूप से कहते हैं, क्या कहते हैं, अथ केनायम गृहीतः, अथ तब केन धन अयम इति केनायम, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। केन का मतलब होता है किसके द्वारा, अयम का मतलब होता है यह, गृहीतः मतलब पकड़ लिया गया है, यह किसके द्वारा, तब यह किसके द्वारा बंदी बनाया गया है, ऐसा राजा जो है अपनी सभा में, कौन सी सभा में, उस सभा में जहाँ बृहन्नल है, जहाँ भीम है और जहाँ अभिमन्यु है और अन्य दरबारी है, वहां वे पूछते हैं, क्या कहते हैं, अथ केनायम गृहीतः, यह किसके द्वारा गृहित किया गया अर्थात पकड़ा गया है, किसके द्वारा बंदी बनाया गया है। तो भीमसेन जो उस दरबार में उपस्थित था वह कहता है महाराज मया मेरे द्वारा ही यह बंदी बनाया गया है, मेरे द्वारा ही यह पकड़ लिया गया है, गृहित किया गया है। अब अभिमन्यु कहता है, क्या कहता है, अशस्त्रेण नित्य अशस्त्रेण नेत्य भी धीयताम,
अशस्त्रेण इति अभिधीयताम। अरे बिना शस्त्र वाला था इसलिए पकड़ लिया है, यह भी कहो, यह भी बताओ। अर्थात तुम बलपूर्वक नहीं पकड़े हो, वीरता पूर्वक नहीं पकड़े हो, अशस्त्र वाले थे और अशस्त्र वाले जानकर मैंने तुम पर आक्रमण नहीं किया, इसलिए तुमने मुझे पकड़ा है, यह भी महाराज को बताओ। ऐसा अभिमन्यु जो है कहते हैं, बिना शस्त्र के अभिधीयता अर्थात बिना शस्त्र के पकड़ा, यह भी तुम महाराज को बताओ, ऐसा अभिमन्यु कहता है। भीमसेन, भीमसेन कहते हैं शांतम पापम, पाप शांत हो या ईश्वर जो है पाप से बचाए। धनुष तू दुर्बल है एव गृहते, अरे धनुष को तो दुर्बल लोगों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। धनुष तू, धनु धन तू इति धनुष तू, यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। दुर्बलई है दुह धन बलई इति दुर्बलई है, दुह यहाँ पर उपसर्ग है और साथ ही संधि भी हुआ है, दुह धन बलई इति दुर्बलई है। तो धनुष जो है, धनु मतलब होता है धनुष, धनुष जो है वह दुर्बलई है एव गृह्यते, दुर्बलों के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। मम तु भुजौ एव प्रहरणम, मेरी तो भुजा ही हथियार है। मम तु भुजौ, भीम जो है अपनी दोनों भुजाओं को इस तरह से दिखाते हैं और कहते हैं मम तु भुजौ एव प्रहरणम, हथियार है मेरी तो ये दोनों भुजाएं जो हैं ये ही हथियार हैं, इन दोनों भुजाओं के होते हुए मुझे किसी धनुष की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भीम कहते हैं। अब भीम के द्वारा इस तरह से कहे जाने पर अभिमन्यु कहता है मातावत भो, ऐसा मत कहो, हे ऐसा मत कहो, किम भवान मध्यमः तातः, क्या तुम मध्यम पिता हो, तातः मतलब होता है, तात मतलब होता है पिता, क्या तुम, क्या आप मध्यम ताता है, क्या आप मध्यम पिता हो। मध्यम क्यों कहा गया, क्योंकि अभिमन्यु के पिता हैं अर्जुन और अर्जुन से बड़े हैं भीम, भीम से भी बड़े हैं युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर और अर्जुन दोनों के मध्य आते हैं भीम, इसलिए इन्हें मध्यम भी कहा जाता है। जैसे मंझला जिसको हम कहते हैं वैसा ही संस्कृत में मध्यमः इसका प्रयोग किया जाता है। तो किम भवान मध्यमः ताता है, क्या आप मध्यम अर्थात भीम पिता हैं। यह तस्य सदृशः वचः, यह तस्य सदृशं वचः वदति, जो उसके समान वचन बोल रहे हो, क्या तुम मध्यम भीम पिता हो जो उसके समान इस तरह से वचन कह रहे हो, ऐसा अभिमन्यु जो है उसका प्रतिकार करते हुए कहते हैं। ततः, देखिए यहाँ पर पुनः कोष्टक में लिखा हुआ है, ततः प्रविश्यत्युत्तरः, उसके पश्चात प्रविशति धन उत्तरः इति प्रविश्यत्युत्तरः, प्रविशति मतलब प्रवेश करता है, कह उत्तरः उत्तर, ये उत्तर कौन है, उत्तर जो है वह राजा विराट के पुत्र हैं जो कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए वृहनल को सारथी बनाकर गया हुआ था। तो दरबार में वृहनल पहले आ गए, भीम पहले आ गए, अभिमन्यु पहले आ गए और उत्तर जो का प्रवेश जो है अब हो रहा है, इसलिए लिखा है ततः प्रविश्यत्युत्तरः, इसके पश्चात प्रवेश करते हैं कौन, उत्तर अर्थात राजा विराट के पुत्र उत्तर का अब प्रवेश होता है। अब जैसे ही दरबार में प्रवेश करता है और वह उत्तर कहता है, क्या कहता है, तात अभिवादये, तात अर्थात पिताजी राजन आपका अभिवादन करता हूं। राजा कहते हैं आयुष्मान भव पुत्र, तो राजा जो है निश्चित रूप से पिता जो है अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हैं, ऐसे ही राजन और पिता जो है वे अपने पुत्र उत्तर को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं आयुष्मान भव पुत्र, अर्थात तुम दीर्घजीवी हो। पूजिताह कृत कर्माणो योध पुरुषाह, अपने कार्य को कृत कर्माणो, अपने कार्य को पूर्ण करने वाले योध पुरुषाह, योध पुरुषाह कहते हैं वीर पुरुषों को, पूजिताह पूजित होते हैं सम्मानित होते हैं अर्थात
ऐसे वीर जो अपने कार्य को पूर्ण करने वाले होते हैं वे सम्माननीय होते हैं, पूजिता कृत कर्माणो योद्ध पुरुषा। यह एक सूक्ति भी है, विभिन्न परीक्षाओं में सूक्तियां पूछी जाती हैं, तो वहां जब सूक्ति पूछा जाता आप इस वाक्य को लिख सकते हैं, पूजिता कृत कर्माणो योद्ध पुरुषा, अपने कार्य को पूर्ण करने वाले योद्ध पुरुष अर्थात वीर पूजिता पूजा के योग्य होते हैं या सम्माननीय होते हैं, सम्मान के योग्य होते हैं। उत्तर, अब राजा के द्वारा इस तरह से कहे जाने पर उत्तर अर्थात राजा का पुत्र कहता है, क्या कहता है, पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा। पूज्यतम धन अस्य क्रियताम पूजा अर्थात पूजा के अत्यंत पूज्यतम अर्थात पूजा के अत्यंत योग्य अस्य मतलब इनकी क्रियताम पूजा, क्रियताम मतलब किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, पूजा अर्थात पूजा के अत्यंत योग्य इनकी पूजा की जानी चाहिए। देखिए राजा विराट अभी तक क्या जानता है, राजा विराट यह जानता है कि उसका पुत्र उत्तर जो है कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए गया हुआ था और वह कौरवों को परास्त करके आया है और साथ ही अभिमन्यु को वह बंदी भी बनाकर लाया है, इस बात को जानता है, इसलिए वह अपने पुत्र के सम्मान की बात करता है, कहता है पूजिताः कृत कर्माणो योद्ध पुरुषाः अर्थात अपने कार्य को पूर्ण करने वाले वीर जो होते हैं वे सम्मान के योग्य होते हैं, इस तरह से कहते हैं। लेकिन उत्तर कहता है पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा अर्थात पूजा के योग्य पूज्यतमस पूज्यतम अस्य क्रियताम पूजा, पूजा के योग्य मेरी नहीं इनकी पूजा की जानी चाहिए। अब राजा कहते हैं पुत्र कस्मै, पुत्र किसके द्वारा इसको ग्रहण किया गया है जो किसका हम सम्मान करें, तो उत्तर कहता है उत्तर इहात्र भवते धनंजयाय, इह धन अत्र भवते धनंजय, इह धन अत्र यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है, इह का मतलब होता है यहाँ, इह मतलब यह, अत्र मतलब यहाँ, भवते आपके समक्ष, धनंजयाय ये आपके समक्ष जो है वो धनंजय हैं, धनंजय कहा जाता है अर्जुन को, तो यहाँ ये जो धनंजय हैं अर्जुन हैं इनके लिए पूजा किया जाना चाहिए, इनकी पूजा की जानी चाहिए। व्यपनयतु अर्थात दूर हो भवान छकाम, भवान धन संकाम इति भवान छकाम अर्थात आपकी जो शंका है आप जिसको नहीं जानते हैं आपकी जो अज्ञानता है उसको मैं दूर कर देता हूँ, व्यपनयतु आपकी शंका जो है दूर हो, अयमेव अस्ति धनुर्धरः धनंजयः और यह ही जो बृहन्नला के रूप में आपके समक्ष उपस्थित है वही कौन है, यही धनुर्धर अर्थात धनुष को धारण करने वाले गांडीव धनुष को धारण करने वाले धनंजय हैं, यही अर्जुन है। अब उत्तर के द्वारा राजा विराट के समक्ष इस तरह से भेद खोल दिए जाने पर, रहस्य का उद्घाटन कर दिए जाने पर बृहन्नला जो है वो प्रकट रूप में कहते हैं, कहते हैं क्या कहते हैं, यद्यहम अर्जुन, हाँ यदि मैं अर्जुन, यद्यहम यदि धन अहम इति यद्यहम यहाँ पर यण स्वर संधि का प्रयोग हुआ है, यद्यहम अर्जुन, हाँ यदि मैं अर्जुन हूँ तरही अयम भीमसेनः, यदि मैं अर्जुन हूँ ऐसा आप मान लेते हैं तो अयम भीमसेनः यह जो भट है वह कौन है, यह भीमसेन है, अयम च राजा युधिष्ठिरः और यह जो आपके साथ चौसर खेला करते हैं वे कौन है, अयम च राजा युधिष्ठिर और ये राजा युधिष्ठिर हैं। तो इस तरह से अर्जुन भीम और युधिष्ठिर का रहस्योद्घाटन वहां उस विराट की सभा में हो जाता है। अब सामने अभिमन्यु है, अभिमन्यु अपने पिता अर्जुन को देखते हैं, भीम को देखते हैं, युधिष्ठिर को देखते हैं, फिर अभिमन्यु कहते हैं इहात्र भवंतो मे पितरः, इह अत्र भवंतः मे पितरः, इधन अत्र यहाँ दीर्घ स्वर संधि का, अत्र मतलब होता है यहाँ ये, इह मतलब ये, तो यहाँ ये
भवंतः आप सब में, मतलब मेरे पितरः, आप सब मेरे पिता हैं। कौन पिता है? अर्जुन भी पिता है, भीम भी पिता है और युधिष्ठिर भी उनके पिता हैं। तो तेन खलु, इस कारण से, निश्चित रूप से, तेन इससे, खलु निश्चित रूप से, फिर कोष्टक में लिखा हुआ शब्द है, इति क्रमेण सर्वाणि प्रणमति। और इस प्रकार से अभिमन्यु को जब पता चलता है कि यहाँ अर्जुन है, भीम है और युधिष्ठिर हैं, वे उन सब के क्रमशः प्रणाम करते हैं। सर्वे च तम आलिंगन्ति, और सभी अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर, वे सभी अपने पुत्र अभिमन्यु को, सर्वे च तम आलिंगन्ति, और सभी तम उसको अर्थात अभिमन्यु को आलिंगन्ति, आलिंगन करते हैं अर्थात सबको गले लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा यह जो नाट्यांश है ये यहीं पर पूरा होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह से विराट नगर में कौरवों और पांडवों का जो युद्ध होता है, और उस युद्ध में अभिमन्यु बंदी बना लिया जाता है, और बंदी बना लिए जाने पर बाद में फिर उस विराट की सभा में उत्तर के द्वारा बृहन्नला अर्थात अर्जुन, भीम और राजा युधिष्ठिर का परिचय दिया जाता है। तो इस तरह से रहस्योद्घाटन होता है और अभिमन्यु जो है अपने जो परिचित हैं, अपने पिता जो हैं, इन लोगों से आपस में मिलते हैं, और यहीं पर हमारा यह नाट्यांश पूरा होता है। आइए इस पाठ में अब जो शब्दार्थ प्रयुक्त हुए हैं उन शब्दार्थों को हम देखते हैं।